जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरवन जी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट जीके जीएस के बारे में। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपको सभी प्रतियोगिताओं में इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किस देश में किया गया था? तो हवाई जहाज का जो आविष्कार है वो किस देश में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। फ्रेंड्स क्या देखेंगे, अमरीका देश में हवाई जहाज आविष्कार आपको अमेरिका देश में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर दो, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है? भारत के किस राज्य में आपको सबसे अधिक मंदिर है? तो तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तमिलनाडु राज्य में आपको भारत में सबसे अधिक जो है वो मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर तीन, बिजली के बल्ब में कौन सी आपको गैस भरी जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस जो है वो आपको भरी जाती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑर्गन गैस जो है वो आपको बिजली के बल्ब में आपको भरी जाती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर चार, भारत के किस नदी में हीरे पाए जाते हैं? वो भारत का कौन सा नदी है जिसमें आपको हीरा पाया जाता है? तो कृष्णा नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कृष्णा नदी में आपको भारत में हीरे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर पाँच, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषाएँ आपको बोली जाती है? भारत में कौन सी भाषाएँ सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे, हिंदी आपको भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली आपको भाषा है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर छः, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देश के साथ आपको लगती है? भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सात देशों के साथ लगती है। सात देशों के साथ भारत की सीमा आपको लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको क्वेश्चन नंबर सात, सबसे लंबा समय तक जीने वाला कौन सा है? सबसे लंबा समय तक जीने वाला प्राणी आपको कौन सा है? तो कछुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कछुआ का आपको समय जो होता है सबसे लंबा जीने वाला प्राणी आपको कछुआ होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर आठ, लाल नदी विश्व के किस देश में आपको बहती है? लाल नदी आपको विश्व के किस देश में बहती है? तो वियतनाम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वियतनाम देश में आपको लाल नदी जो है वो बहती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर नौ, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले आपको किस देश में हुआ था? बिजली के बल्ब का आविष्कार आपको सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो अमेरिका देश में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बीबीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, याद रखेंगे अमेरिका में बिजली के बल्ब का आपको सबसे पहले आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग आपको होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी जो है वो रोग होता है। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि हमारे चैनल में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि किसी वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 11, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग आपको खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग आपको खाया जाता है? तो पुष्पक्रम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फूल गोभी के पुष्पक्रम आपको खाया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम आपको किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम आपको किसने की है? तो ल्यू वेन हॉक ने आपको, फ्रेंड्स याद रखेंगे ल्यू वेन हॉक ने आपको जीवाणु की खोज आपको सर्वप्रथम जो करी थी। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 13, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी आपको प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी को प्राप्त किया जाता है? तो जड़ों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, फ्रेंड्स बीबीआई प्रश्न है, जड़ों से आपको जो है वो कॉफ़ी को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 14, तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है? ऐसे प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, तंबाकू के पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो निकोटीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, निकोटीन आपको पाया जाता है तंबाकू के पत्तियों में। फ्रेंड्स याद रखेंगे इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, पेस मेकर का संबंध किससे होता है? पेस मेकर का संबंध आपको हृदय से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पेस मेकर का संबंध आपको हृदय से होता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपको निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध जो है वो खट्टा हो जाता है? तो बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बैक्टीरिया के कारण आपको दूध जो है वो खट्टा होता है, बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले नोटबंदी
किस देश में हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में, घना में, अमेरिका में या चीन में। आपको सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आपको घना में हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, घना में आपको सबसे पहले जो नोटबंदी हुई है वो घना में हुई है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको 8 है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भारत में कुल आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय खेल दिवस आपको कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस आपको कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त को। फ्रेंड्स याद रखेंगे 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 20, विश्व की सबसे अधिक मछली उत्पादक आपको देश कौन सा है। विश्व की सबसे अधिक मछली उत्पादक देश आपको भारत, जापान, चीन या रूस, इसमें से कौन राइट आंसर होगा, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन आपको विश्व में सबसे अधिक मछली उत्पादक करने वाला वो देश है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। सर्वप्रथम आपको साइकिल का आविष्कार किस देश में हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। फ्रेंड्स याद रखेंगे जर्मनी में आपको सर्वप्रथम जो साइकिल का आविष्कार किया गया है वो किस देश में, तो जर्मनी में। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 22, सबसे कम भूकंप आपको किस देश में आते हैं। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में आपको सबसे कम भूकंप आपको आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आपको कौन सी है। जो भारत की सबसे बड़ी आपको सरकारी नौकरी है वो कौन सी है, आर्मी की या बीएसएफ की या आईएएस की या आईपीएस की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आईएएस की। फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आपको आईएएस की होती है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 24, किस देश के पास सबसे ज़्यादा हथियार है। किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है, तो रूस के पास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 25, भारत की राष्ट्रीय मिठाई आपको कौन सी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जलेबी आपको भारत की राष्ट्रीय मिठाई। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो हम ऐसा वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यदि हमारे चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।